द रिपब्लिकन टाइम्स। खबर ही नहीं, विश्लेषण भी। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स, मैं रजीउर रहमान। बिहार के सुपौल जिला अंतर्गत छातापुर प्रखंड के मधुवरी पंचायत स्थित जमीयतुल कासिम दारुल उलूम अल इस्लामिया परिसर में बुधवार की रात देश की तरक्की में मीडिया के महत्व के विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में दिल्ली सहित बिहार के विभिन्न जिला के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल मीडिया के कई पत्रकार शामिल हुए। सीमांचल डेवलपमेंट फ्रंट के सौजन्य से आयोजित इस संगोष्ठी की अध्यक्षता प्रतापगंज के वरिष्ठ पत्रकार विजय राज ने की और संचालन को मदरसा के प्रिंसिपल मुफ्ती अंसार कासमी ने अंजाम दिया। संगोष्ठी में सीमांचल डेवलपमेंट फ्रंट के द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतापगंज के विजय राज को कुलदीप नैयर अवार्ड से नवाजा गया, जबकि अररिया के पत्रकार मुश्ताक अहमद सिद्दीकी को गुलाम सरवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही फ्रंट के चेयरमैन कारी जफर इकबाल मदनी और महासचिव शाहजहां शाद ने सभी मीडिया कर्मियों को शॉल उड़ाकर उसकी हौसला अफजाई किया। देश की तरक्की में मीडिया के महत्व के विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि दुनिया के हर कालखंड में, राजतंत्र हो या लोकतंत्र, मीडिया विभिन्न स्वरूपों में दर्पण के रूप में समाज में स्थापित है। राष्ट्र समाज का हर व्यक्ति मीडिया के माध्यम से अपने समाज के साथ साथ राज्य राष्ट्र और का बेहतर वर्तमान और भविष्य को देखता और तलाशता रहता है। लोकतांत्रिक देशों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। मीडिया अगर सकारात्मक भूमिका अदा करे तो किसी भी व्यक्ति, संस्था, समूह और देश को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है। वर्तमान समय में मीडिया की उपयोगिता, महत्व और इसकी भूमिका नियंत्रण बढ़ती जा रही है। कोई भी समाज, सरकार, वर्ग, संस्था, समूह, व्यक्ति मीडिया की अपेक्षा कर आगे नहीं बढ़ सकता है। आज के जीवन में मीडिया एक नागुजीर जरूरत बन चुकी है। अगर समाज में मीडिया की भूमिका की बात करें तो इसका तात्पर्य यह है कि समाज में मीडिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या योगदान दे रहा है और उसके उत्तरदायित्वों के निर्वहन के दौरान समाज पर उसका क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, यह देखना भी बहुत जरूरी है। प्रभाव पर गौर करने पर स्पष्ट होता है कि मीडिया की समाज में शक्ति, महत्ता और उपयोगिता में वृद्धि से इसके सकारात्मक प्रभाव में काफी अभिवृद्धि हुई है, लेकिन साथ ही साथ इसके नकारात्मक प्रभाव भी उभर कर सामने आए हैं। मीडिया ने जहां जनता को निर्भीकतापूर्वक जागरूक करने, भ्रष्टाचार को उजागर करने, सत्ता पर तार्किक नियंत्रण और जनहित कार्यों की अभिवृद्धि में योगदान दिया है, तो वहीं लालच, भय, द्वेष, स्पर्धा, दुर्भावना और राजनीतिक कुचक्र के जाल में फंसकर अपनी भूमिका को कलंकित भी किया है। व्यक्तिगत या संस्थागत निहित स्वार्थों के लिए येलो जर्नलिज्म को अपनाया, ब्लैकमेल द्वारा दूसरों का शोषण करना, चटपटी खबरों को तवज्जो देना और खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, दंगे भड़काने वाली खबरें प्रकाशित करना, घटनाओं एवं कथनों को द्विअर्थी रूप प्रदान करना, भय या लालच में सत्तारूढ़ दल की चापलूसी करना, अनावश्यक रूप से किसी की प्रशंसा और महिमा मंडन करना और किसी दूसरे की आलोचना करना जैसे अनेक अनुचित कार्य आजकल मीडिया द्वारा किए जा रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि दुर्घटना एवं संवेदनशील मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, ईमानदारी, नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठा और साहस से संबंधित खबरों को नजरअंदाज करना आजकल मीडिया का एक सामान्य लक्षण हो गया है। मीडिया के इस व्यवहार से समाज में अव्यवस्था और असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। इस पतन के कारण युवा पीढ़ी भी पतन के गर्त में धंसती जा रही है। इंटरनेट के माध्यम से असामाजिक क्रियाकलाप युवाओं तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनमें नैतिकता, संस्कृति और सभ्यता की लगातार कमी आती जा रही है। इन सब को देखते हुए मीडिया की भूमिका पर चर्चा करना आज आवश्यक हो गया है। मीडिया अपनी खबरों द्वारा समाज के असंतुलन एवं संतुलन में भी बड़ी भूमिका निभाता है। मीडिया अपनी भूमिका द्वारा समाज में शांति, सौहार्द, समरसता और सौजन्य की भावना विकसित कर सकता है। सामाजिक तनाव, संघर्ष, मतभेद, युद्ध और दंगों के समय मीडिया को बहुत ही संयम तरीके से काम करना चाहिए। राष्ट्र के प्रति भक्ति और एकता की भावना को उभारने में भी मीडिया की बहुत अहम भूमिका होती है।
देखिए ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ सीमांचल डेवलपमेंट की ओर से, वाकई बहुत सराहनीय है। मीडिया का जो दायित्व देश विकास में, समाज विकास में होना चाहिए, उस पर सभी हमारे मित्र पत्रकार मित्रों ने अपनी अपनी बातें रखी। इसलिए मैंने सारे मीडिया कर्मियों से रिक्वेस्ट किया है कि आप पीत पत्रकारिता से बचें और समाज विकास के लिए, देश विकास के लिए आपका जो नैतिक दायित्व है उस पर रहे। उद्देश्य यही है कि जो देश की तरक्की में मीडिया का महत्व, उसके सीमांचल डेवलपमेंट फ्रंट के तरफ से ये सेमिनार का आयोजन किया गया और मीडिया में जो भ्रष्टाचारिता कहिए उसको या जो कहिए, जो कॉर्पोरेट जगत के लोग जो इसको अपने कब्जे में ले लिया है, उससे कैसे आजाद कराया जाए और किस तरह से हमारे जो भाई बंधु मीडिया ब्लॉक स्तर पर काम करते हैं उनमें जागरूकता फैलाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम इससे जगह सतर्क रहें और ऐसे लोगों से सावधान रहें जो हम मीडिया वालों का, साथियों का जो शोषण करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग खुली चुनौती दें और उसके खिलाफ एक मुहिम चलावें और जागरूक रहें और एक देश हित में अपने काम को अंजाम दें।